भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक नीतियों से परेशान दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि पंजाब के तलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता बसपा में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भगवान सिंह चौहान, एडवोकेट रंजीत कुमार, इंजीनियर महेंद्र सिंह, गोविंद सिंह कानुंगो उपस्थित थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दासुया विधानसभा मंडल के अध्यक्ष अमनदीप हैप्पी, इन्होंने कई कार्यकर्ताओं के साथ बसपा में प्रवेश किया और कार्यकर्ताओं ने बसपा के नारे लगा के खुशी व्यक्त की। कार्यक्रम में भगवान सिंह चौहान, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस और भाजपा के घातक नीतियों के कारण महंगाई बेरोजगारी की मार जनता पर पड़ रही है। एडवोकेट रंजीत कुमार, इन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी के अथक परिश्रम से पंजाब बसपा में ऊर्जा का प्रवाह हुआ है और अकाली दल बसपा के गठबंधन से पंजाब में नई उम्मीद जगी है। आने वाले 2022 में यह गठबंधन जनता को राहत पहुंचाने का काम करेगा। जैसा कि गौरतलब है कि पंजाब में जब से अकाली दल और बसपा का गठबंधन होते ही कांग्रेस भाजपा छोड़ कई लोग, कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिससे 2022 में पंजाब में बसपा गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद और मजबूत हुई है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।